धान का स्कीपर कीट लगभग उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर धान उगाया जा सकता है। स्कीपर कीट के लार्वा रात्रिचर होते हैं और ये धान के पत्तियों के किनारों को रात में खाते हैं। दिन के वक्त ये लार्वा आराम करते हैं। ये पत्तियों को मोड़कर अपने लिए चैम्बर बनाते हैं जिसमें ये दिन के समय आराम करते हैं। धान के पौधे जब छोटे होते हैं तब उनमें इन लार्वाओं का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन बाली निकलने तक इन लार्वाओं का अटैक आप अपने खेत में देख सकते हैं। इस कीट के अंडे गोल तथा सफेद रंग के होते हैं जिनको वयस्क कीट पत्तों के किनारों पर देते हैं। स्कीपर कीट का लार्वा लंबा हरे रंग का होता है जिसके सिर पर लाल सफेद रंग का अंग्रेजी के अक्षर वी जैसा निशान होता है जो अलग ही दिखाई देता है। ये स्कीपर कीट का प्यूपा है, इसके बाद ये वयस्क अवस्था में आ जाता है। ये वयस्क स्कीपर कीट हैं जो ज़्यादातर जो घरों के आसपास हम फूल लगाते हैं उनमें फूलों का रस चूसते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। सभी फूलों में गेंदा इस कीट का पसंदीदा फ्लावर है जिनमें ये ज्यादातर आपको रस चूसते हुए मिल जाएगा। वयस्क कीटों के पंखों में सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं जैसा कि अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। वयस्क कीट ज्यादातर फूलों का रस चूसते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गेंदा का जो फूल है इन स्कीपर कीट्स का सबसे ज्यादा पसंदीदा फूल होता है जिनका ये रस चूसता है। आइए अब जानते हैं कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। धान की नर्सरी में पानी देते रहें जिससे नर्सरी में छिपे हुए लार्वा बाहर निकल सकें और पक्षी उनको खा लें। धान के खेत में पानी में केरोसिन
तेल डालें। ऐसा करने से लार्वा का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। आप अपने खेत में एनपीवी यानी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस के कमर्शियल फॉर्मेशन को जो बाजार में उपलब्ध होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने खेत में ट्राकोग्रामा जेपोनिकम रोपाई लगाने से 30 से 35 दिन के बाद खेत में छोड़ सकते हैं। ये मित्र कीट होते हैं जो स्कीपर कीट के अंडों को खाकर उनकी संख्या को कम कर देते हैं। यदि आप कीटनाशक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खेत से पानी निकालकर क्लोरोपाइरिफॉस 20 ईसी का 80 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप खेत में छिड़काव कर सकते हैं।